कार्रवाई हुई। जमीयत ने कहा बुलडोजर एक्शन पर रोक लगे, बिना नोटिस बुलडोजर एक्शन पर सुनवाई शुरू हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बस आरोप के आधार पर ही बुलडोजर चलाना गलत है। शंकर आनंद हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शंकर, क्या और क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, जरा बताएं। देखिए, थोड़ी देर पहले इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई जो है शुरू हुई है, और उसके बाद इस मामले पर जब बुलडोजर से जुड़े मामले पर जब कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, तो सबसे पहले जिक्र हुआ दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में, जहां पर जहांगीरपुर इलाका में भी बुलडोजर चला था। तो इस मामले को लेकर एसजी जो है वो दलील दे रहे थे, और इस मामले में एसजी ने कहा कि मैं कानून पर दलील दूंगा, किसने क्या याचिका दायर की है वो आप देखें। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी आरोपी है और महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन ले सकते हैं राज, तो ये कानून के मुताबिक नहीं है, ये खिलाफ है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है वो एक बड़ा ऑब्जर्वेशन है, और इस मामले पर एसजी ने कहा कि किसी को भी दोषी करार देने के बाद भी बुलडोजर एक्शन नहीं लिया जा सकता है। और जिस तरह से देखे, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें या उत्तर प्रदेश की बात करें या दिल्ली की बात करें, उन तमाम मसलों को लेकर जिस तरह से कई याचिकाएं जो है पहले दायर हुई थी और जिस तरह से इस मामले पर कोर्ट में भी रहा है, लेकिन आज उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई आरोपी है और महज इस आधार पर जो अगर जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है उसके पहले वो सिर्फ आरोपी होता है, और आरोपी के महज इस आधार पर बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकता है राज, यह कानून के मुताबिक नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से रही शंकर। लेकिन एक और चीज यहाँ पर, खासतौर पर अगर हम एमपी की बात करें या यूपी की बात करें, जब भी कोई ऐसे आरोपी सामने आते हैं जहां पर बुलडोजर एक्शन किया जाता है, तो वो अक्सर उसका घर या उसका दफ्तर, उसमें कुछ ना कुछ लूप होल है ये कहते हुए एक्शन लिया जाता है। निश्चित तौर पर देखिए, आज उसी मामले को लेकर चर्चा हुई, जो आपने सवाल किया है ठीक इन्हीं तमाम मसलों को लेकर यहाँ चर्चा हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि आज इस मामले पर सुनवाई करने के बाद इस मामले पर एसजी जो है आज समय मांगे, और सुप्रीम कोर्ट में अब 17 सितंबर को इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। और जिस तरह से इस मामले पर याचिकाएं जो दायर की गई थी, इस मामले पर जब आज सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले को निर्देश जारी करेंगे और नोटिस जारी करेंगे, तभी राज्य को इस पर निर्देश जारी किया जाएगा। और एसजी ने कहा कि सिर्फ म्युनिसिपल कानून में बुलडोजर एक्शन का प्रावधान है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही ये भी कहा कि हम वही कर रहे हैं कि आपराधिक कानून में किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन कैसे ले सकता है। और जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट का ये एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि इस मामले पर हमारे तमाम राज्यों को एक निर्देश जो है वो जारी किया जाएगा, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में किस तरह से निर्देश जारी होंगे ये देखना लाजमी होगा। और कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब 17 सितंबर को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, तो वो दिन बेहद महत्वपूर्ण होगी, कई महीने में वो महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। तो अगली सुनवाई बहुत महत्वपूर्ण होगी, जाहिर तौर पर सभी की निगाहें अब 17 सितंबर पर टिकी रहेंगी। शंकर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।